तरफ जहां प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ सोनभद्र के सिंचाई विभाग के रिहंद प्रखंड में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यहां ठेकेदारों से पेमेंट के एवज में 40% तक की धनराशि कमीशन के रूप में मांगी जा रही है। इस कमीशन खोरी के खिलाफ ठेकेदार लामबंद हो गए हैं और उन्होंने जिलाधिकारी से कमीशन मांगने वाले सहायक अभियंता के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। वहीं जिलाधिकारी ने इस मामले की जांच एसडीएम को सौंप दी है। जिलाधिकारी का कहना है कि जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी। जानकारी के अनुसार सोनभद्र के पीपरी क्षेत्र में स्थित सिंचाई विभाग के रिहंद प्रखंड के ठेकेदार कमीशन खोरी से त्रस्त है। ठेकेदारों का आरोप है कि उनसे पेमेंट के एवज में 40% तक कमीशन मांगी जा रही है, इसी वजह से उनका भुगतान नहीं किया जा रहा। सहायक अभियंता अजय कुमार पांडे पर आरोप लगाते हुए ठेकेदारों ने अधिशासी अधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए कार्यवाही की मांग की है। ठेकेदारों का आरोप है कि अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता की मिलीभगत है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। सोनभद्र से संवाददाता मनोज वर्मा की रिपोर्ट। सहायक अभियंता की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सहायक अभियंता की तानाशाही नहीं चलेगी। कमीशन खोरी बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी। नागेंद्र सिंह, नागेंद्र जी बताइए कि क्या समस्या है आपको यहाँ पे? सर, समस्या यहाँ जो है कि अधिकारी द्वारा जो है यहाँ के जो सिंचाई विभाग के नाना प्रकार के जो है प्रताड़ना किया जा रहा है। एक जो है ठेकेदार का जो है पैसा पड़ा हुआ है, उसका जो है कोर्ट का आदेश भी हुआ, उसके आदेश कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उसका भुगतान नहीं किया गया, जो कि पैसा के एवज में बेचारा जो है वो कैंसर का रोगी होकर के मर गया। कैंसर का रोगी था, उसका पैसा नहीं मिला, वो बेचारा दवा के अभाव में मर गया। कितने ठेकेदार होंगे जिनका पैसा यहाँ रुका है? और सर, यहाँ जो है 12-13 ठेकेदार हैं, सब लोग मिलकर के जो है छोटे बड़े सब मिला करके कोई ऐसा नहीं कि जिसका भुगतान बाकी ना हो, जिसका भुगतान 2010 से बाकी है। कि आप लोगों ने जिलाधिकारी के यहाँ शिकायत की है? जी जी सर, हम लोग जिलाधिकारी के क्या जी सर हम लोग जो है जिलाधिकारी साहब के यहाँ गए थे और जिलाधिकारी महोदय से हम लोग बात किए और जो है तुरंत कहे कि हम जो है एडीएम साहब को जो जांच के लिए लिख दे रहे हैं। तो हम लोग को जो है एडीएम साहब के यहाँ से वो आया है, 23 तारीख को बुलावाया है सर जो है। वो लोग जो है ये लोग कह रहे हैं, विभाग के लोग कह रहे हैं कि झगड़ा किए लोग, और उन लोगों को भी मालूम तो होता, कम से कम हालात होता तो उन लोगों को भी तो मालूम होता कि जो है यहाँ कुछ बवाल हुआ है। सिक्योरिटी से जी 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 जी, एक यहाँ रहती है, एक 50 मीटर दूरी पर बगल में है। दोनों लोग में किसी को जब मालूम नहीं है कि यहाँ हालात हुआ, झगड़ा हुआ है, मार हुआ, झगड़ा होता है सर, मार होता है तो वहाँ जो कुछ बातापती होता है उसके बाद ना झगड़ा होता है। तो आपको फर्जी आरोप में फंसा दिया? जी सर, तो फर्जी है ना सर जी, जब CISF जो है राजकुमार। आज यहाँ प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ 200 साल से पंजीकृत ठेकेदार हैं जी। 2017 जुलाई से जब से अजय कुमार पांडे यहाँ आए हैं तब से यहाँ का सारा सिस्टम बिगड़ गया, भ्रष्टाचार के चक्कर में, खाली घूस लेने के चक्कर में, कमीशन खोरी के चक्कर में। हम लोग इसी क्रम में अपने भुगतान के लिए 12 तारीख को उनसे फोन करके समय लेके कार्यालय में मिलने आए। उन्होंने कहा कि एडवांस 40% कमीशन हमें चाहिए। हम लोगों ने उसका विरोध किया तो हम लोग को भड़क गए, गालियां देने लगे, उल्टा सीधा उसी पर पुलिस बुला के हम लोग को नाम FIR करा दिया। अच्छा। जिसकी सूचना हम लोग जिला अधिकारी को, कप्तान को दे दिए। अच्छा। और ये लोग कभी कार्यालय में बैठते नहीं, महीना में एक दिन दो दिन बैठते हैं। अच्छा। आज भी पता लगा लीजिए, आज भी ये लोग कार्यालय में नहीं होंगे। कमीशन की मांग किसके द्वारा की गई? अजय कुमार पांडे के द्वारा। क्या है ये? सहायक अभियंता है, इन्हीं के द्वारा पूरा कार्यालय चलाया जाता है। यही एक्शन से भी बात करिए तो कहते हैं कि अजय कुमार पांडे से बात कर लीजिए। जी भाई साहब, बताइए क्या समस्या आ रही है? हम लोग विगत 20 वर्षों से यहाँ ठेकेदारी कार्य कर रहे हैं और पिछले 2-3 साल से इतनी समस्या यहाँ पे है कि जिसकी वजह से हम लोगों के बच्चे भूखे मर रहे हैं। न हम लोगों को भुगतान हो रहा है, न सत्यापन हो रहा है, न MB हो रही है, और पैसा आया हुआ है 2-1.5 साल से पड़ा हुआ है, लोगों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। कहने पर जो है ताला मटोल करते हैं, कभी कागज़ MB गायब करवा देंगे, कभी कुछ गायब करेंगे, अप्लीकेशन देने पर उसके कोई कार्रवाई नहीं करते। कमीशन की क्या बात आ रही है? क्या कमीशन चाहिए उनको? बिना कमीशन काम नहीं करना चाहते जो, इसीलिए तो भुगतान नहीं कर रहे 1.5-2 साल से पैसा। जब यहाँ पे काम करने के बाद हम लोग काम करते हैं, इसके बाद बिजली विभाग उसका सत्यापन करता है और तब जो है पैसा आता है। पैसा आने के बाद हमारे काम के वजह में आता है, यहाँ इनका एक भी पैसा नहीं है, सारा पैसा जो है बिजली विभाग हमारे काम के ऊपर में देता है। ये लोग 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ अपने खाते में रखे हुए, हम लोग भुगतान नहीं कर रहे हैं।
अपने सेलेक्टिव कुछ लोगों का भुगतान, हाँ कुछ लोगों का जिसका पैसा नहीं है उसका भुगतान कर देंगे, जिसके लिए पैसा है उसका भुगतान नहीं करेंगे। एफआईआर तो वो लोग पैसा मांगने गए उसके वजह में किए जो है, जिसमें एक जेई के ऊपर कुछ ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि वो कमीशन मांगते हैं, 40% का कमीशन मांग दिया और इस मामले में सर हमने जांच भी की, क्या मामला है? ये कुछ ठेकेदार मेरे पास आए थे और बताया गया था कि हमारा पेमेंट लंबे समय से लंबित रखा है और विभाग के अधिकारी द्वारा प्रताड़ित की जा रही है। इसका दूसरा वर्जन ये है कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर सीधे वहाँ चले गए थे मेरे पास आने के पहले, वहाँ जाके जे वहाँ यही को जो है कमरे में बंद किया, उनके साथ दुर्व्यवहार करने का भी आरोप है जिसके संबंध में मुकदमा भी लिखा हुआ है। क्योंकि दो उसके बाद ये घटना के बाद ही मेरे पास कॉन्ट्रैक्टर्स आए थे, मैंने एडीएम को जांच सौंपा हूँ, जैसे जांच रिपोर्ट आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज, राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।